हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि बीपीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, इस कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए अर्थात अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे अमर जवान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में, यहाँ पर आप लोग किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, और साथ ही साथ देखिए फिजियोथेरेपी के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ का फॉर्म जो है आउट हो चुका है, तो सारी जानकारी आपको वीडियो में लास्ट तक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अमर ज्योति जवान इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में। ये पड़ता कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, ये पड़ता है न्यू दिल्ली में, ठीक है, कड़कड़डुमा विकास मार्ग दिल्ली। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कड़कड़डुमा विकास मार्ग न्यू दिल्ली इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दो कोर्सेज बेसिकली ऑफर होते हैं, बीपीटी और एमपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है इसका, एमपीटी का अर्थात मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का, वो टोटली जो है वो सीयूटी के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो सीयूटी के बेसिस पे होता है, इसलिए हम मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे बीपीटी के अर्थात बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग समझिए बीपीटी के बारे में। अब इसका जो है प्रॉस्पेक्टस हम डाउनलोड कर लेते हैं, और प्रॉस्पेक्टस में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो सबसे पहले हम प्रॉस्पेक्टस को करते हैं डाउनलोड। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। किसके अंदर? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर जो है एडमिशन लेने के लिए आपको खुद का जो है ये एंट्रेंस एग्जाम लेता है, फिर जाके एडमिशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रॉस्पेक्टस में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, यहाँ पर हम फिर और सिर्फ हाईलाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि लाइक कैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 12th आपके पास आउट होने चाहिए, उसके बाद से स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, स्कूल मेडिकल इंटरमीडिएट एग्जाम, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। केवल इसका मतलब यही है कि आपके 12th जो है पास आउट होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और उसके साथ इंग्लिश जो है कोर सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि बेसिस ऑफ एडमिशन क्या होगा। जो मेन है इस वीडियो का पार्ट, वो यही है कि एडमिशन कैसे होता है। तो बेसिस ऑफ एडमिशन जो है जनरली रिजर्व कैटेगरी, देखिए हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग एडमिशन है। तो रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं हम, लाइक जनरल कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लिए एडमिशन है वो टोटली जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। किसके थ्रू? एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोड बाय काउंसलिंग। पहले तो इसका आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद से आपको काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। उसके बाद देखो, 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है, बता रहे हैं कि 2 घंटे का एग्जाम होता है। इट विल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ ये किससे किससे रिलेटेड होता है क्वेश्चन, वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है। एवरी करेक्ट आंसर विल गेट 1 मार्क्स एंड नो निगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही है कि आपको किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है दोस्तों। यानी कि अगर निगेटिव आप लोग ऐसे ही होता है ना कि अंदाजे लगा देना जो भी सही है या नहीं है, तो आप लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, जो आंसर आपको नहीं आता है छोड़ करके मत आना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग समझिए कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से स्टार्ट हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 23 मई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 23 ऑफ मई से ये अब जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब 23 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है मई से, और कब तक रहने वाला है? तो जून 26 तक रहने वाला है। देखिए, जून 26 तक जो है रहने वाला है, यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके जो है मार्क्स कम है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई करो, आपको एडमिशन जो है मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी आपने टाइम है 14 दिन का, आप लोग जाओ और फॉर्म को फिल करो, तैयारी जो है ज़बरदस्त करो ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये लगेंगे, और जो दूसरे कैटेगरी हैं लाइक SC ST या हैंडीकैप, उनके लिए लगेंगे दोस्तों 700 रुपये। उसके बाद देखो, ये तो हो गए आपके जो फीस होते हैं, ये आपके जो फीस हैं वो यूनिवर्सिटी लगी। साथ ही साथ
आपके ट्रांजेक्शन जो चार्ज लेंगे वो 3% एक्स्ट्रा लेंगे। 3% का मतलब हुआ 1000 रुपये आपको टोटल जो लेंगे वो 30 रुपये लेंगे जब आप लोग पूरा फॉर्म कंप्लीट करोगे, और 700 रुपये आपके 21 रुपये लेंगे, यानी कि 721 रुपये लेंगे SC ST के, और 1000 पर 1030 रुपये लेंगे आपके जो जनरल और OBC NCL कैटेगरी हैं। ओके चलो, अब ये बात करना है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए एडमिट कार्ड के लिए ये इनकी साइट पे जब भी आएगा तो आप मेंशन हो जाएगा कब एडमिट कार्ड देंगे इनकी वेबसाइट पर, साथ ही साथ डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये भी बता रहे हैं कि ये साइट पर मेंशन कर दिया जाएगा जब भी होगा। इतनी चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे मेन जो पार्ट आता है वो आता है कि आखिर यहाँ पर फीस कितना लगने वाला है। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है आप लोग दो तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हो। पहला तो आप लोग ऑफलाइन फिल कर लो, ऑफलाइन के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने फॉर्म, इसको डाउनलोड करके और सारा का सारा फिल करके इनकी यूनिवर्सिटी में जमा कर दो। और दूसरा है ऑनलाइन फॉर्म, तो ऑनलाइन जो फॉर्म है ना उसको आप लोग कैसे फिल कर सकते हो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, ये इनकी वेबसाइट है अमर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी की, अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी की। यहाँ पर देखिए इन्होंने ना अप्लीकेशन जो BPT एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन लोग अप्लाई का ऑप्शन दिए हैं, ऑनलाइन अप्लाई देख पा रहे हैं आप लोग ना, यहाँ से जा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि BPT का यहाँ पे फीस कितना लगता है। देखो जो कॉलेज फीस है वो सभी कैटेगरी के लिए सेम ही है, कितना पैसा आपको देना है आप लोग ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्योंकि देखो इन्होंने ना टोटल फीस नहीं बताया, अलग अलग करके बता रहे हैं। तो समझो मैं लास्ट में आपको ये बताऊँगा कितना फीस लगता है। एडमिशन फीस जो लगता है वो 2000 रुपये लगते हैं, ओके। लाइब्रेरी फीस लगता है 6000 रुपये, उसके बाद से लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस 6000 है, लाइब्रेरी फीस जो है वो 4200 रुपये, काशन मनी है 6000 रुपये। ये देखो काशन मनी क्या होता है, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी मनी होता है जो कि जब आप लोग एडमिशन लेते हो उसमें आपको जमा करना पड़ता है, और जिस समय आप लोग निकलते हो कॉलेज से ना उस समय आपको ये रिफंड हो जाता है, ओके। एंड डेवलपमेंट फीस की बात करें तो वो है दोस्तों 5600 रुपये, 56000 रुपये। उसके बाद से कुछ और एडिशनल चार्ज यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं, जो ट्यूशन फीस है वो 44100 रुपये हैं, ओके। और जो लेबोरेटरी फीस है वो 25000 रुपये हैं, वैसे तो ये फीस बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है दोस्तों, तो अब देखो। और जो ओवर चार्ज फीस है वो 14700 रुपये हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आ रही है इंटर्नशिप फीस। देखिए इंटर्नशिप फीस क्या होती है, लाइक देखो जब आप लोग एडमिशन जो है ले लेते हो यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद जब आप लोग का 4 साल पूरा हो जाता है उसके बाद आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, क्या 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, उसका जो फीस है दोस्तों यहाँ पर वो 30000 रुपये है, 30000 रुपये आपको एक बार इस यहाँ पर देने रहेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इतना ही इन्होंने फीस जो है मेंशन कर रखा है। अब देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर कि फीस आपका कितना लगने वाला है, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जो कॉलेज फीस है ना यहाँ पर वो इनका पूरा पूरा टोटल अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो टोटल जो फीस आ रहा है दोस्तों ये वाला पोर्शन टोटल जो फीस आ रहा है वो 23800 रुपये आ रहे हैं, ओके, कितना 23800 रुपये। उसके बाद आप लोग ये ट्यूशन फीस और अदर चार्ज जो है मिला लेना, आपके इतने जो है पैसे यहाँ पर दोस्तों लगने वाले हैं, ओके। फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो वो 1,07800 रुपये लग रहे हैं, कितना 1,07800 रुपये, देखो इतने आपके टोटल पैसे लग रहे हैं। अब देखिए सेकेंड ईयर में फीस ना कम हो जाएगी, सेकेंड ईयर में आपको केवल ट्यूशन फीस देना रहेगा और साथ ही साथ दोस्तों डेवलपमेंट फीस हो सकता है ये लोग लें, हाँ डेवलपमेंट फीस भी लेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पर एनम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर एंड इंटर्नशिप, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं डेवलपमेंट फीस है लोग सेकंड ईयर में ले लेंगे और साथ ही साथ ट्यूशन फीस लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग सेकंड ईयर में अपना जो है कैलकुलेट कर लेना कितना पैसा लगने वाला है। ये तो बात हो गई फीस के बारे में, ओके। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं MPT में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो MPT का बेसिकली कोर्स फीस कितना है, क्योंकि देखिए MPT में वैसे तो CUT के बेस पर एडमिशन होता है लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोर्स फीस जो है दे रखा है। तो देखिए MPT का कोर्स फीस कुछ इस तरीके से, यानी कि जो मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, ओके दोस्तों। चलो तो ये वीडियो थी, आप लोग अप्लाई कर लो फॉर्म को, और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा।